Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to provide for protection, relief and rehabilitation of rights of transgender persons and their welfare and for matters connected therewith and incidental thereto, the Transgender Person Protection Rights Bill 2018 be passed. बड़ी ही अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में LGBTQ का बिल पास हो गया। अब अफसोस की बात क्यों है इस पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा इस बिल को समझ लेते हैं। अब LGBTQ का मतलब मैं जरा आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले L का फुल फॉर्म होता है लेस्बियन, यानी कि ऐसी मेल यानी कि ऐसी औरत जात जिसको एक लड़की पसंद हो, कोई लड़का नहीं सिर्फ और सिर्फ लड़की पसंद हो, यहाँ तक कि उसकी शादी की ख्वाहिश भी एक लड़की से हो, बोले तो सेक्सुअल अट्रैक्शन भी एक लड़की से ही हो। फिर जी का फुल फॉर्म होता है गे, मतलब ऐसे लड़के जिनका इंटरेस्ट लड़कियों की तरफ नहीं बल्कि लड़कों से होता है, यानी कि लड़के लड़के को पसंद करते वो किसी लड़की को पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि उनकी भी दिल की ख्वाहिश होती है कि किसी लड़के से शादी करे, यानी कि उनकी भी सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है किसी लड़की की तरफ। फिर बी का फुल फॉर्म होता है बाइसेक्सुअल, यानी कि ऐसे मेल या फिर फीमेल जिनको दोनों ही पसंद है, लड़के भी और लड़की भी उनको दोनों ही पसंद होते, उनका सेक्सुअल अट्रैक्शन दोनों की तरफ होता है। फिर टी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसजेंडर, यानी कि ऐसे लोग जो पहले मर्द थे या फिर औरत थे लेकिन बाद में अपनी सर्जरी करवा के या फिर मर्द बन जाते हैं या फिर औरत बन जाते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रांसजेंडर। फिर क्यू का फुल फॉर्म है क्वेर। ये एक क्वेश्चन है उन लोगों के लिए जो लोग अभी तक समझ नहीं पाए कि असल में उनका अट्रैक्शन किन की तरफ है, क्या वो लेस्बियन है या गे है या फिर बाइसेक्सुअल है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग अभी तक के समझ नहीं पाए कि उनका सेक्सुअल अट्रैक्शन किन के साथ है। तो ये थे LGBTQ के फुल फॉर्म, लेकिन लास्ट में एक और चीज है, वो है इंटरसेक्सुअल। और इंटरसेक्सुअल को उर्दू में कहा जाता है ख्वाजा सरा, यानी कि ऐसे लोग जो पैदाइशी तौर पे जिनके जिन्स में चेंजिंग हो, जैसे कि मर्द के जिन्स में औरत की चेंजिंग और औरत के जिन्स में मर्द की चेंजिंग, इनको उर्दू में ख्वाजा सरा कहा जाता है और इंग्लिश में इंटरसेक्सुअल। लेकिन इन इंटरसेक्सुअल वालों को LGBTQ कम्युनिटी वालों ने अपने वहाँ साफ तरीके से जाहिर नहीं किया, लेकिन वो अपने टी से यानी कि ट्रांसजेंडर में इनको ऐड करते हैं। तो ये थे LGBTQ के बिल का मतलब, और ये बिल अभी पाकिस्तान में पास हो चुका है। तो अब पाकिस्तान में क्या होगा? अब पाकिस्तान में भी इस LGBTQ के बिल के पास होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में भी मर्द मर्द से शादी कर सकता है और औरत औरत से शादी कर सकती है, और हुकूमत इनको रोकेगी टोकेगी भी नहीं बल्कि हुकूमत इनकी सपोर्ट में होगी। बताओ, बड़ी ही अफसोस की बात है कि एक ऐसा मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना हो और वहाँ पे अब जाके एक ऐसा बिल जो इस्लाम के खिलाफ हो वो पास हो गया। अब इस बिल को काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि पास करने की, यहाँ तक इमरान खान के दौर में भी और उससे पहले जो हुकूमत आई थी उनके दौर में भी इसको कोशिश कर रहे थे कि पास करे, लेकिन उस वक्त ये पास नहीं हुआ। लेकिन अब ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की हुकूमत आई, यानी कि शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, तब जाके ये बिल पास हो गया। आपको पता है कि इस बिल को कितनी चलाकी से पास किया? चलो ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, पाकिस्तानी जो मुसलमान है वो बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं। अगर कहीं पे मुसलमान या फिर इस्लाम के खिलाफ कोई बात हो रही हो तो पाकिस्तानी मुसलमान पूरी जज्बाती हो जाते हैं, उसके बाद हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं। तो अगर पाकिस्तान में एक लड़का लड़के से शादी करे और एक लड़की लड़की से शादी करे, यानी कि गे मैरिज और लेस्बियन मैरिज हो, तो ये पाकिस्तानी अवाम बर्दाश्त नहीं करेगी, और वो भी इस्लाम के दायरे में रहते हुए, तो पाकिस्तानी अवाम हंगामा मचा देगी। तो इसी को देखते हुए इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने इस LGBTQ के बिल को इतनी चलाकी से पास किया कि इसको एक आम बंदे का समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, आप समझ जाओगे। तो इस बिल को पास करने के लिए इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने सहारा लिया इंटरसेक्सुअल वालों का, यानी कि ख्वाजा सरा का, कि इस बिल को पास किया जा रहा है ख्वाजा सरा के लिए। लेकिन असल बिल में नाम किनका लिया गया? ट्रांसजेंडर वालों का। इन द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस। लेकिन मैंने आपको अपनी इसी वीडियो में पहले समझा दिया कि ट्रांसजेंडर में और इंटरसेक्सुअल वालों में कितना फर्क है। ट्रांसजेंडर वाले जो होते हैं वो होते हैं जो अपने आप को सर्जरी के जरिए मर्द से औरत या फिर औरत से मर्द बनाते हैं, लेकिन जो इंटरसेक्सुअल वाले होते हैं वो पैदाइशी तौर पे ख्वाजा सरा होते हैं। ये बात अक्सर लोगों को नहीं पता, वो लोग इंटरसेक्सुअल वालों को और ट्रांसजेंडर वालों को एक ही समझते, दोनों को ट्रांसजेंडर ही समझते हैं। और इस बिल में ये भी कहा गया है कि अगर आप एक लड़के हो और आप अंदर अंदर से फील करो कि आप एक लड़की हो, तो आप नादरा जाके अपने आप को लड़की के नाम से रजिस्टर करवा सकते हो, जबकि आप असल में एक लड़के होंगे लेकिन आपके कागजात लड़की वाले बन जाएंगे, तो आप एक लड़की कहलाएंगे, जबकि आप असल में एक लड़के होंगे। और जो लड़कियां होंगी वो भी ये करवा सकेंगी, नादरा जाके अपना जेंडर चेंज करवा सकेंगी, लड़की से लड़के बन सकेंगे, और वो कागज के हिसाब से लड़के ही कहलाएंगे जबकि वो होंगी लड़कियां। अब इससे होगा क्या, आप जरा वो समझ लो। अब इससे जितने भी गे लड़के हैं वो नादरा जाके अपना जेंडर चेंज करवा लेंगे, लड़के से लड़कियां बन जाएंगे, फिर अपनी तरह किसी गे लड़के से शादी कर लेंगे, और ये हुकूमत भी उनको मना नहीं करेगी, क्योंकि उनमें से एक बंदा कागज के हिसाब से लड़का है और एक कागज के हिसाब से लड़की है, तो ये गे मैरिज नहीं कहलाएगा जबकि दोनों ही लड़के। और जो लेस्बियन लड़कियां हैं वो भी ये करवा सकेंगी, अपना जेंडर चेंज करवाने के बाद किसी भी लेस्बियन लड़के से शादी कर सकेंगी, और गवर्नमेंट भी उनको नहीं रोकेगी, क्योंकि उनमें से एक का कागजात लड़की वाला होगा और एक का कागजात लड़कों वाला, और ये लेस्बियन शादी भी नहीं कहलाएगा जबकि दोनों लड़की है, और ये लेस्बियन शादी होनी चाहिए। तालियां यार इस गवर्नमेंट के लिए, कसम से फुल
कोमेलूत वाला सिम। बस फर्क ये है कि कोमेलूत वाले को कागजात के हिसाब से वेरीफाई नहीं किया गया था, लेकिन पाकिस्तान में तो भाई एकदम वेरीफाई कर रहे हैं कि हाँ जाओ तुम कर सकते हो, तुम्हें हम टप्पा लगा के दे रहे, जाओ करो। अब ये अफसोस की बात तो वैसे ही है, लेकिन पता है सबसे ज्यादा अफसोस की बात क्यों है? क्योंकि जिस असेंबली में इस बिल को पास किया गया वहाँ सिर्फ दुनियावी तालीम वाले लोग नहीं थे, बल्कि वहाँ काफी ऐसे लोग मौजूद थे जो दीनी तालीम के थे, जैसे कि मौलवी हाफिज और आलिम वगैरह, लेकिन उनसे भी ये बिल नहीं रोका गया और ये बिल पास हो गया। देखो वैसे तो हर बिल पास होने से पहले असेंबली के सब लोगों के साइन होने चाहिए, लेकिन अगर कोई बंदा जिसको नहीं पता चला और उसने इस बिल को पास कर दिया और उसको नहीं पता था इस बारे में, तो वो मेरी नज़र में बहुत ही कोई नासूर इंसान होगा। वो कितना कामचोर काहिल इंसान वो होगा जिसको पता नहीं चला और पास कर दिया। और अगर कोई ऐसा बंदा जिसको पता था इस बिल के बारे में लेकिन फिर भी उसने इस बिल को पास कर दिया ये सोच के कि भाई हम कौन सा गे या लेस्बियन है, जो हो रहा है होने तो हमें तो बस पास करना है, तो क्या ही बोलूं यार उसके बारे में। पता है कोमेलूत पे अजाब क्यों आया था? क्योंकि वो लोग भी ऐसे थे, गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल वगैरह ये सब चीजें। अब ऐसा नहीं था कि कोमेलूत में सभी लोग खराब थे, कि सभी लोग गे थे या लेस्बियन थे या फिर इस तरह के गुनाह में शामिल थे, बल्कि वहाँ पे बहुत सारे लोग अच्छे भी थे, नेक भी थे, जो सारी सारी रात नमाज पढ़ते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को फरमाया कि जाके अजाब सबसे पहले उनके सर में मारो, क्योंकि वो लोग बुराई के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाओ वरना तो कल को वो बुराई तुम तक आ जाएगी, और वो कोमेलूत के लोग वही कर रहे थे, बस अपना देख रहे थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, आवाज़ नहीं उठा रहे थे बुराई के खिलाफ। देखो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो वाइफ है वो भी उस अजाब का शिकार हुई, वजह ये नहीं थी कि वो भी उस तरह का गुनाह करती थी, बल्कि वो उनके सपोर्ट में थी जबी, और वो जो लूत अलैहिस्सलाम के कौम पे अल्लाह वाले थे वो उनको सपोर्ट तो नहीं करते थे लेकिन उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते थे, इसलिए वो भी अल्लाह के अजाब में शामिल हो गए। अगर आप लोगों को मौका मिले इस बिल के खिलाफ लड़ने का या कुछ भी करने का, जरूर करना, अपना फर्ज अदा करना जरूर करना। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। देखो मेरे पास एक ये प्लेटफॉर्म था, मैं आप तक के सच पहुंचा सकता था और उसके बाद जितनी सच्चाई सब कुछ बता सकता था, तो मैंने अपना काम किया, आप अपना काम करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने लोगों तक शेयर करो ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे, उन्हें भी सच्चाई के बारे में पता लगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। अगर इस चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करे बिना जाना नहीं, ये जो बटन दिख रहा लाल कलर का इसको वाइट करो, सब्सक्राइब करो। ओके अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, लाइक तो दबाइए, मुझे भी तो थोड़े बहुत व्यूज है चाहिए, अरे कर दो ना मत शर्माइए। हाँ हो गया क्या, चलो अब जाइए।